दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक ना किया हो तो, और अगर कर लिया हो तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और लास्ट में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसमें है क्लास टेंथ की पोएम एनिमल्स का सेंट्रल आइडिया, जिसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, जो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े पोएट हैं। आइए सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। द पोएट डिजायर्स टू लिव, द पोएट कवि डिजायर्स इच्छा करता है टू लिव, जीने की, अमंग द एनिमल्स जानवरों के बीच में, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी पीस लविंग, क्योंकि वे बहुत ही शांति प्रिय हैं। जी हाँ, बिना वजह जब तक कि उन्हें भूख नहीं लगती वे किसी और जानवर पर अटैक नहीं करते। एंड सेल्फ कंटेन और आत्मसंतोषी है। दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। दे वी फॉर देयर सिंस, वे अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए रोते हैं। डू देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, और अपने सारे कर्तव्य निभाते हैं ईश्वर के प्रति। द एनिमल्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, जानवर सदैव संतुष्ट रहते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, अगर आप एनिमल्स को कुछ भी खिलाते हैं वे तब तक खाएंगे जब तक उन्हें भूख लग रही हो, उसके बाद उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, जबकि इंसान उन चीज़ों को ले जाकर अपने घर में भर लेता है कल के लिए, और यही उसके सारे दुखों का कारण है। आगे देखते हैं। दे आर इक्वल इन सोरो एंड हैप्पीनेस, खुशी हो या गम वो एक जैसे ही रहते हैं, अपने आप को कभी चेंज नहीं करते, ना हालात के अनुसार और ना ही समय के अनुसार, जैसा कि इंसान करते हैं। दे गिव हिम रिस्पेक्ट, ये कवि को सम्मान देते हैं और सबको भी, इन द शेप ऑफ अ टोकन, एक प्रतीक के तौर पर। जब भी उनके पास आप प्यार मोहब्बत से जाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, वो उसे रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली एंड लविंगली। एंड शो, जताते हैं देयर प्लेन फीलिंग्स, अपनी सामान्य भावनाएं, इंसानों की तरह नहीं जो पहले से ही मन बना लेते हैं कि किससे हमें किस तरह की फीलिंग्स शो करनी है और शेयर करनी है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, एक सॉन्ग है मुझे याद आ रहा है कि बड़े नेक, बड़े सीधे, बड़े सच्चे होते हैं, इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं। वही बात इस पॉइंट में कही गई है कि उनमें कभी भी झूठ और फरेब नहीं होता। ही वॉन्ट्स टू अर्न देम, वो उन्हें वापस पाना चाहता है, किन्हें? ये इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, जो है कंटेंट ऑफ द पोएम। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि वो उन सारे गुणों को, उन सारी क्वालिटीज को वापस पाना चाहता है जो पहले कभी इंसान में रही होगी जब वो जानवर रहा होगा। जैसे जैसे वो इंसान बना है वैसे वैसे उसने क्वालिटीज को खो दिया है दोस्तों, उन क्वालिटीज को वापस पाना चाहता है, वो खो चुका है देम, इन क्वालिटीज को केयरलेसली, मतलब अपनी लापरवाही से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना सबसे प्यारा पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। लॉट्स ऑफ लव, बाय।